हाय गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है आईफोन सिक्स के लिए एक एप्पल ने नया अपडेट रोल आउट किया था जिसका सॉफ्टवेयर वर्जन है 15.8 इस अपडेट में आपको क्या खास ऐसा नया देखने को मिलता है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सो so, जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरे पास गोल्ड कलर में आईफोन सिक्स है जो कि लिटरली सिक्सटीन जी वाला वेरिएंट है और ये डिवाइस मेरे को बहुत ज़्यादा तंग करने वाला है बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है सो so, सबसे पहले सेटिंग्स ओपन करते ही आपको मैं दिखाता हूँ इसका अबाउट सेक्शन आप चेकआउट कर सकते हो सॉफ्टवेयर वर्जन में फिफ्टीन और बिल्ड नंबर जो है वो चेंज हुआ है थ्री था पहले अब थ्री हो गया है थ्री सिक्स फाइव होगा पहले ओके और यहाँ पर अवेलेबल स्पेस जो है वो थ्री डॉट एट फाइव जी बी है लेट चेक कि पहले कितनी थी मैंने कुछ स्क्रीन शॉट्स ले रखे हैं कम्पेरिजन करते हैं पिछली स्टोरेज स्पेस से इस अपडेट का जो साइज़ था वो दो सौ नौ एम बी का इस फ़ोन में देखने को मिला और आप यहाँ चेकआउट कर सकते हो यहाँ पर गाइज़ आप देख सकते हो फिफ्टीन डॉट सेवन डॉट नाइन से मैंने इंस्टॉल किया पहले थ्री सिक्स फाइव था अब थ्री सेवन जीरो हो गया है उसी के साथ साथ गाइज़ इस अपडेट में जो स्टोरेज uh, स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्क्रीन शॉट नहीं लिया स्टोरेज स्पेस का हम रेली सॉरी लेकिन काफ़ी कम थी आलमोस्ट जो है डेढ़ जी के आसपास फ्री होगी और अपडेट से जो है चार जी के आसपास फ्री हो चुकी है मॉडर्न फॉर्मवेयर चेंज नहीं हुआ सो नेटवर्क के रिगार्डिंग आपको कोई भी वेरिएशन देखने को आई बिलीव नहीं मिलेगा उसी के साथ साथ बैटरी हेल्थ चेक करवाऊँ तो मेरी आई की बैटरी हेल्थ हंड्रेड थी और अब देखते हैं कि हंड्रेड है या कितनी है हंड्रेड ही है हेल्थ भी और परसेंटेज भी और गाइस यहाँ पर मुझे अपडेट के बाद में थोड़ा सा आईफोन जो है वो थोड़ा लैग होना कम हुआ है वरना अपडेट से पहले बहुत ज़्यादा लैग होता था कुछ भी एप्लीकेशन ओपन करूँ ना तो बहुत ज़्यादा पहले ओपन ही नहीं होनी कुछ देर बाद होल्ड लेकर ओपन होनी है फिर ओपन होने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हो आलमोस्ट जो है पाँच सेकंड के अंदर अंदर यूट्यूब ओपन हो गया लेकिन पहले इस अपडेट से पहले बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी ये एप्लीकेशन कोई भी ओपन होने में आईफोन 6s में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है स्पीड के रिगार्डिंग थोड़ी सी स्मूथनेस मिली है ओके कुछ सा, सांस आई है इस फ़ोन को वरना इसका तो दम घुट रहा था इतनी ज़्यादा मतलब ये हैंग हो रहा था आई मेड से कि इस फ़ोन के ऊपर इतना ज्यादा अब सॉफ्टवेयर का ही लोड है ना कि यहाँ पर इस फोन को खुद चलने के लिए स्टोरेज स्पेस है ही नहीं जो सारा का सारा सॉफ्टवेयर ही यूज़ कर रहा है फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप चेकआउट करो आई ने देखो उतना डेटा किसी और चीज़ ने मेरे सिस्टम मेरे मेरे डेटा फाइल्स ने नहीं घेर रखा जितना सिस्टम ने घेर रखा है आई ने सबसे नीचे जाकर दिखाऊँ तो यहाँ पर देखो सोलह में से सात जी हो गया मतलब नौ जी बी रह गया और चार जी बी सिस्टम डेटा है सो so, आलमोस्ट जो है ना मेरे पास सिर्फ बचता है पाँच जी बी और पाँच जी बी में से जस्ट पाँच एप्लीकेशन इंस्टॉल करूँगा और वो फुल हो जाएंगी और फ़ोन को रन करने का कोई भी यहाँ पर स्पेस नहीं है कि फ़ोन खुद जल सके सो so, यहाँ पर बहुत बुरे हाल हो चुके हैं सिक्स की अगर आप इसको सिर्फ कॉलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो तो, तो जेनवन है वरना आपको ये बहुत तंग करने वाला है अगर आप नॉर्मल यूज़र हो बहुत नॉर्मल यूज़र हो तो ही आप इस फ़ोन को बाय करना या फिर मतलब रख सकते हो एज अ सेक डिवाइस लेकिन बहुत स्लो है और काम आपको मुश्किल से ही होगा बाय द वे कैमराज वगैरह अभी भी जानदार हैं और एप्पल अभी तक इसको अपडेट सिक्योरिटी अपडेट्स ही चाहे रोल आउट कर रहा है लेकिन कर रहा है अपने छः से सात से आठ साल पुराने डिवाइस को हैडसॉफ्ट टू एप्पल बाय द वे आपको ये वीडियो कैसी लगी आप आंखें बंद करके इस अपडेट को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो कुछ तो पॉजिटिविटी लेके आया है स्पीड में लैग थोड़ा कम हुआ है स्मूथनेस ज़्यादा हुई है से इस अपडेट को इंस्टॉल करो और अपने फ़ोन को और ज़्यादा स्मूथ करके थोड़ा बहुत और यूज़ कर लो जितना भी और यूज़ होता है आई होप गाइज़ आपको वीडियो पसंद आई होगी थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू सो मच